हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज का ये लेक्चर हमारा होने वाला है tRNA के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। हम tRNA की अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, 2D 3D स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। एंड हम इसमें भी देखेंगे कि आपका 5' एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, 3' एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, किस प्रकार से tRNA लूप का फंक्शन होता है, एंटीकोडन लूप का क्या फंक्शन होता है, डी लूप का क्या फंक्शन होता है, वेरिएबल लूप किस प्रकार से पाई जाती है, क्या पाई भी सभी tRNA में पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग इस tRNA की कितनी क्लास होती है, यानी कि कितने प्रकार के आपके tRNA प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो tRNA होता है इसका ट्रांसलेशन में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि क्या फंक्शन होता है। एंड गाइज, इससे पहले मैं आपको tRNA के बारे में tRNA की ट्रांसक्रिप्शन यानी कि tRNA की सिंथेसिस एंड tRNA की प्रोसेसिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने बोले अक्सर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो और भी अच्छी बात है, जा करके देख लेना। तो चलिए आइए tRNA की स्टार्ट करते हैं tRNA को एंड कुछ इसके बेसिक कैरेक्टर देख लेते हैं कि आपके tRNA के बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो आपका tRNA होता है ये आपका स्मॉलेस्ट RNA होता है। आपको पता होगा कि तीन प्रकार के RNA होते हैं, जिसमें हम tRNA, rRNA एंड आपके mRNA होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका इन तीनों प्रकार के RNA में जो tRNA होता है वो आपका स्मॉलेस्ट RNA होता है। इसके बाद ये टोटल RNA का केवल और केवल 10-15% ही आपका बनाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 25,000 से 40,000 डाल्टन के बीच में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, इसके बाद होता है क्या है कि लाइजेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, ये जो होता है आपको पता होगा माइक्रो एंड मैक्रो में क्या अंतर होता है। जो मैक्रो होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ठीक है ना, माइक्रो के कंपेयर में। तो ये आपका है तो मैक्रो, बट आपका लाइजेस्ट है मैक्रो में भी, यानी कि आपका हल्का है। एंड इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशियंट होता है 3.8S होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशियंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ गाइज। एस का मतलब यहाँ पर स्वेड वर्क यूनिट होती है, आप केवल इतनी बात आपको याद रखनी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूबल RNA। इसको हम सोल्यूबल RNA के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसको हम 1 मोलर NaCl, ठीक है ना, 1 मोलर NaCl में डिजोल्व करेंगे तो ये ईजिली सोल्यूबलाइज हो जाता है, ठीक है ना, ईजिली घुल जाता है। इसके बाद इसको हम अडेप्टर RNA के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3' एंड पर अपने 3' एंड पर अमाइनो एसिड को अटैच कर लेता है, ठीक है ना। अब किस प्रकार से ये अटैच करता है आगे देखेंगे हम। इसके बाद इसकी जो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं एक tRNA में, वे आपके 73-95 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। इसकी संख्या जो है आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी, कहीं पर आपका 75-95 न्यूक्लियोटाइड भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो आपको इसमें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑलमोस्ट 30-35 tRNA तक पाए जाते हैं, याद रख लेना। कितने tRNA पाए जाएंगे? 30-35 tRNA तक पाए जाते हैं, तो आपको इस बात को याद रखना है। इसके बाद tRNA, देखो 20 टाइप के tRNA नहीं पाए जाते, 20 टाइप के tRNA सिंथेटेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, इस बात को याद रख लेना। आपके जो अगर मैं एक अनुमान लगाऊं, एवरेज लगाऊं, तो 32 टाइप के tRNA पाए जाते हैं। एंड ये 32 tRNA जो होते हैं ये आपके जो है अलग अलग कोडोन, आपको पता होगा कोडोन कितने होते हैं, 64 कोडोन रहते हैं, जिसमें से आपके 61 ही प्रोटीन को कोड करते हैं। तो इन 61 कोडोन के लिए आपके जो है ऑलमोस्ट 32 tRNA प्रेजेंट होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 20 प्रकार के आपके, मैंने क्या बताया आपको, 20 प्रकार के यहाँ पर tRNA सिंथेटेज एंजाइम्स होते हैं। हम आगे बात करेंगे जब हम बोबल हाइपोथेसिस देखेंगे कि आपका tRNA सिंथेटेज क्या होता है, ठीक है ना, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद tRNA इज ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA। एक्चुअल में क्या होता है, जब tRNA का फॉर्मेशन होता है तो ये एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। वट ड्यू टू सेल्फ फोल्डिंग के कारण इट्स सो मोर देन वन फॉर्म, यानी कि सेल्फ फोल्डिंग हो जाएगी इसमें, अपने आप ही इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड
ऐसा क्यों होता है गाइज, तो मैं आपको बता चुका हूँ, अपनी लोअर एनर्जी में जाने के लिए ऐसा होता है। एंड वहीं से आपकी स्ट्रक्चर तैयार होती है जिसको हम 2D 3D बोलते हैं। 2D स्ट्रक्चर जो होती है वो क्लोवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर होता है, एंड 3D स्ट्रक्चर जो होती है वो आपकी एल शेप मॉडल होती है, हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद tRNA हैव अनयूजुअल मॉडिफाइड बेस। अब tRNA जो होता है, tRNA के पास कुछ अनयूजुअल मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं जिनकी संख्या आपकी 10 to 15 नाइट्रोजन बेस तक हो सकती है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं याद रख लेना, स्यूडो यूरोसिल आता है, राइबोथाइमिन आता है। अब देखो स्पेसिफिकली जो आपका थायमिन होता है वो आपका DNA में पाया जाता है, बट यहाँ पर भी आपका राइबोथाइमिन प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपके आइनोसिन होता है, फिर आपका मिथाइल ग्वाइनोसिन होता है, फिर इसके बाद डाइहाइड्रोयूरेडिन होता है। तो ये आपके कुछ अनयूजुअल मॉडिफाइड बेस हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, इनके फंक्शन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखने हैं। अब इसका कुछ फंक्शन देखो, इसका फंक्शन स्पेसिफिकली जो tRNA होता है, इसका फंक्शन होता है अमाइनो एसिड का ट्रांसफ़र करना। यानी कि आपका क्या करता है, ये मान लो आपकी कोई सेल है, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है जहाँ से आपका tRNA बन करके आया है। tRNA कहाँ से बनता है, आपका न्यूक्लियस में बनता है। कौन बनाता है, तो मैंने आपको एक कोड बताया था RMT, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर पॉलीमरेज थर्ड, यहाँ पर कौन सा एंजाइम्स काम करेगा, यहाँ पर पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम्स काम करेगा। R को कौन बनाएगा, पॉलीमरेज फर्स्ट। M को कौन बनाएगा, RNA पॉलीमरेज सेकंड बनाएगा, ठीक है ना। तो आपको RMT यानी कि रमता, मैंने यहाँ पर आपको अपने पिछले लेक्चर में एक आपको निमोनिक्स बताया था RNA पॉलीमरेज को याद करने के लिए कि कौन से RNA को कौन सा आपका एंजाइम्स बनाता है। यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसको RNA पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये आपका tRNA बाहर आ चुका है, ठीक है ना, ये आपका tRNA निकल के बाहर आ चुका है। तो अब इसका फंक्शन क्या होगा कि जहाँ पर आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, आपको ही पता होगा, राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर आपका एक mRNA इस प्रकार से लगा हुआ रहता है। ये जो tRNA होता है ये ट्रांसफ़र करता है, टी का मतलब ही ट्रांसफ़र होता है। तो ये इस जो यहाँ पर ये लोकेशन होती है, यहाँ पर क्या काम करता है, ये पकड़ कर के लेकर के आता है अमाइनो एसिड को, यानी कि अमाइनो एसिड को ला करके इस लोकेशन पर रख देता है कि भाई ये लो अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करो। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड ऑन राइबोसोम्स, ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रॉबर्ट होले गिव क्लोवर लीफ मॉडल इन 1965 फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, और ये मॉडल उन्होंने यीस्ट में आपके जो है डिस्कवर किया था। तो इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये सारे के सारे फैक्ट क्लियर हुए होंगे, एंड अगर क्लियर हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपकी क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जानी जाती है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ वो देखने की आप कोशिश करो। स्टार्टिंग में आपके कोई एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर थी tRNA की, ठीक है ना, ये आपकी सिंपल स्ट्रक्चर थी। सिंपल स्ट्रक्चर से अब क्या हुआ, इसमें सेल्फ फोल्डिंग हुई, एंड सेल्फ फोल्डिंग होने के बाद इसने 2D स्ट्रक्चर यानी कि आपकी जो है एक स्ट्रक्चर बना ली। इसी स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जानते हैं, जो कि रॉबर्ट होले ने 1965 में दिया था, ठीक है ना। अभी बात करते हैं कि इसमें कितनी आर्म्स होती हैं एंड किसका क्या फंक्शन होता है। अब इस 2D से ही आपका 3D स्ट्रक्चर बनती है, इस बात को याद रख लेना। एंड ये आपको कुछ उल्टा एल शेप, ठीक है ना, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से, तो इसको हम एल शेप भी बोल देते हैं। ये आपको एल शेप की चमक रही होगी, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है, थोड़ा अपनी जो है क्लियरिटी इंक्रीज कर लेना गाइज, अगर कर सको तो। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है ना, हम पढ़ने वाले हैं क्लोवर लीफ मॉडल। तो क्लोवर लीफ मॉडल को जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, रॉबर्ट होले ने आपका बताया था, ठीक है ना। रॉबर्ट होले ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, अब यहाँ पर क्या है कि आपके दो एंड पाए जा रहे हैं, एक आपका 5' एंड पाया जा रहा है, एंड सेकेंड आपका 3' एंड पाया जा रहा है। 3' एंड पर आ जाते हैं जो कि आपका
यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड बेस होता है स्पेसिफिकली, जिसको हम CCA बोल देते हैं, जिसको हम CCA बोल देते हैं, सिस्टीन एडेनिन होता है। इस बात को आपको याद रखना है, इसकी जो एडेनिन होता है ये आपका सबसे लास्ट का न्यूक्लियोटाइड होता है। एंड यहाँ पर दो पोजीशन, एक आपकी सेकंड प्राइम OH, याद रख लेना सेकंड प्राइम OH, एंड एक आपकी थ्री प्राइम OH जो होती है फ्री फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस थ्री प्राइम एंड से ही आपका कोई भी नया, याद रख लेना, कोई भी नया अमाइनो एसिड आएगा, एंड वो आने के बाद या तो इसके टू प्राइम या फिर थ्री प्राइम से आकर के अटैच होगा। यहाँ पर अटैच होने के लिए स्पेसिफिकली दो ATP की ज़रूरत होती है, हम आगे देखेंगे ठीक है ना किस प्रकार से आपका काम करता है। एंड यहाँ पर दो ही आपको एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका जो है आकर के अटैच हो रहा है अमाइनो एसिड, दो ATP की ज़रूरत पड़ेगी इसको, दो एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी हम देखेंगे आगे। एंड इस प्रोसेस को आपका tRNA चार्जिंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी प्रोसेस को जब आपका अमाइनो एसिड आकर के अटैच होता है इस थ्री प्राइम एंड को एंड पर, इसी को हम अमाइनो एसिड एक्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं ठीक है ना, जो स्पेसिफिकली आपके एंजाइम के थ्रू होता है। तो इसलिए आप देखो यहां पर थ्री एंड पर अमाइनो एसिड आकर के अटैच हुआ है, इसलिए इसको एक्सेप्टर आर्म्स बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर आर्म्स या फिर एक्सेप्टर स्टेम के नाम से भी जानते हैं ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो भी एंजाइम्स काम करेगा, मान लो आपका जो है यहाँ पर एंजाइम्स काम करता है अमीनो एसाइल सिंथेटेज नाम का एंजाइम्स काम करता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ ठीक है ना। तो अमीनो एसाइल सिंथेटेज नाम का एंजाइम्स काम करता है, जो कि स्पेशली कहाँ पर आकर के अटैच होता है, इस डी लूप पर आकर के अटैच होता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका अमाइनो एसिड आकर के अटैच हो सके। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर और भी समझने की कोशिश करो कि मान लो ये आपका 5' to 3' से आकर के आपका जो है फोल्डिंग हो रही थी इसके अंदर ठीक है ना, एंड ये फोल्डिंग आपकी सेल्फ होती है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ये बॉन्डिंग आपकी सेल्फ होती है। अब यहाँ पर आपको दो इसमें जो है स्ट्रक्चर चमक रही होगी, एक तो ये सर्कल स्ट्रक्चर चमक रही होगी एंड ये एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको चमक रही होगी, यानी कि लीनियर टाइप की। तो जो ये आपके लीनियर टाइप के स्ट्रक्चर है इसको तो बोलते हैं हम स्टेम, याद रख लेना इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्टेम। जबकि ये जो आपको सर्कुलर टाइप की स्ट्रक्चर चमक रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लूप। तो आपको इतनी बात याद रखनी है ठीक है ना, अगर इतनी बात याद रख ली, आपको इतनी बात पता चली तो बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पर पूछा जाता है कि आपकी कितनी आर्म प्रेजेंट होती है, यानी कि कितनी स्टेम प्रेजेंट होती है। तो देखो वैसे तो आपकी स्पेसिफिकली 5 आर्म यहाँ पर प्रेजेंट होती है ठीक है ना। आई रिपीटेड, कितनी आर्म प्रेजेंट होती है, 5 आर्म प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, एक 5', एक 3', एक डी लूप वाली जो आपकी लेफ्ट साइड में पाई जा रही है, इसको डी लूप, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है डाई यूरेडीन लूप ठीक है ना, डाई यूरेडीन लूप, या फिर इसको हम डिस्प्लेसमेंट लूप के नाम से भी जानते हैं, डाई हाइड्रो यूरेडीन इसका पूरा नाम होता है ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर एक एंटीकोडोन जो कि आपकी नीचे की साइड में प्रेजेंट होती है, एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट होती है। ये क्या काम करती है, ये आपका जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स में क्या काम करती है, राइबोसोम्स के ऊपर जो आपका mRNA होता है, स्पेसिफिकली जो आपका mRNA होता है, मान लो ये आपका mRNA है, तो mRNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, याद रख लेना कैसी, कॉम्प्लीमेंट्री आपकी जो है वो क्या करेगी, यहाँ पर बाइंडिंग शो करेगी, यानी कि जो एंटीकोडोन है ये, अगर 5', मैं इसको आपको बना करके दिखा देता हूँ, ये डायग्राम आपको आगे मिल जाएगा, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना। ये अगर आपका 5' है तो ये आपका 3' होगा, याद रख लेना ये 3' है, ये तो ये आपका 5' होगा। एंड ये आपकी एक mRNA की स्ट्रक्चर है, एंड इस mRNA पे आपके क्या प्रेजेंट है, इस mRNA पे आपके प्रेजेंट है कोडोन, याद रख लेना क्या प्रेजेंट है,
कोडोन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अगर कोडोन प्रेजेंट है तो टीआरएनए में आपके एंटी कोडोन प्रेजेंट होते हैं। एंटी इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री शो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो आपका जैसे कि अगर ए है तो ए से कौन ज्वाइन करेगा, ए से यू ज्वाइन करेगा, सी है तो सी से कौन ज्वाइन करेगा, जी ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। तो आपका इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये पेयरिंग करेंगे, यानी कि जो एंटीकोडोन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है एमआरएनए के। यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि एमआरएनए में जो आपका स्टार्टिंग कोडोन होता है उसको बोलते हैं एयूजी। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर बोवल हाइपोथेसिस चली आती है, यानी कि जो आपका थर्ड नंबर का अमाइनो एसिड या फिर कोडोन होता है, ठीक है ना, स्पेसिफिकली सॉरी कोडोन होता है, वो आपका चेंजेबल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोवल हाइपोथेसिस में देखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, आपके लिए तो वो बात भी अच्छी नहीं है। तो पहली आपकी जो है 5' स्टैम हो गई, सेकेंड आपकी डी स्टैम जिसको हमने डाईहाइड्रो यूरेडिन या फिर डिस्प्लेसमेंट लूप बोला है, तीसरी आपकी एंटी कोडोन लूप हो चुकी है, एंड नंबर 4 आपकी जो है वो टी साइज सी लूप हो चुकी है, एंड नंबर 5 जो है आपकी वो 3' एंड लूप हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं वेरिएबल लूप की, तो याद रख लेना ये जो वेरिएबल लूप होती है ये आपकी प्रत्येक, याद रख लेना यहाँ पर, ये आपकी प्रत्येक टीआरएनए में नहीं पाई जाती है। जिस टीआरएनए में ये वेरिएबल लूप पाई जाती है उसको हम क्लास सेकंड टीआरएनए के नाम से जानते हैं, जिसमें ये वेरिएबल लूप नहीं पाई जाती उसको हम क्लास 1 टीआरएनए के नाम से जानते हैं। तो आपको इतनी बात भी याद होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर जो है कि है आपको पता लग गया कि ये 5' पे क्या प्रेजेंट होता है, 3' को हम एक्सेप्टर आर्म क्यों बोल देते हैं, एंड डी यानी कि आपका डाईहाइड्रो यूरेडिन, एंड याद रख लेना ये जो आपका डाईहाइड्रो यूरेडिन होता है, यानी कि हमने कहा था इसको अनयूजुअल मॉडिफाइड बेस, एंड ये जो आपको अनयूजुअल मॉडिफाइड बेस मिल रहा है इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर लूप का फॉर्मेशन होता है। याद रख लेना जो आपके अनयूजुअल मॉडिफाइड बेस होते हैं इसी के कारण क्या होता है, लूप का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर आप इधर की साइड में देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको टी साइज सी मिल रहा होगा, टी का मतलब थायमीन। अब देखो स्पेसिफिकली टी आपका जो आरएनए होता है वहाँ पर आपका थायमीन नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर थायमीन पाया जा रहा है। साई का मतलब होता है सीडो यूरेसिल, साई का मतलब क्या होता है, सीडो यूरेसिल। तो यहाँ पर ये आपके अनयूजुअल वेस मिल रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, एक लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड गाइज आपको इस एंटीकोडोन में भी अनयूजुअल बेस मिलता है जिसके कारण लूप का फॉर्मेशन होता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि लूप का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो सीधा सा आंसर है कि लूप का फॉर्मेशन इसलिए होता है जिससे कि क्या हो कि आपका जो है वो अनयूजुअल बेस आ रहे हैं, तभी आपका जो यहाँ पर लूप है लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब आप फंक्शन समझ गए हो इसका भी कि यहाँ पर एक एंजाइम्स आता है, ठीक है ना, यहाँ पर एक एंजाइम्स आता है इसको एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। इस एंटीकोडोन का भी मतलब आप समझ गए हो कि आपका एंटीकोडोन कहाँ किस से आपका बाइंड करेगा, वो एमआरएनए से आपका आकर के बाइंड करेगा। इसके बाद इस टी साइज सी का क्या मतलब है, तो भाई साहब ये जो टी साइज सी होता है एक्चुअल में जो आपका राइबोसोम से अटैचमेंट यानी कि राइबोसोम से बाइंडिंग करेगा, यानी कि याद रख लेना राइबोसोम से जो बाइंडिंग करेगा वो आपका ये टी साइज सी लूप ही करता है। यहाँ पर ये जो एंटीकोडोन है ये स्पेसिफिकली क्या काम करता है, आपका एमआरएनए पर जाकर के कोडोन यानी कि एमआरएनए से बाइंडिंग करता है, जबकि ये जो टी साइज सी लूप होती है ये आपकी राइबोसोम से बाइंड करती है, इस बात को मत भूलना। एंड ये वेरिएबल आर्म का कोई भी फंक्शन नहीं होता है आपका, ठीक है ना, वेरिएबल आर्म का कोई भी फंक्शन यहाँ पर नहीं होता, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। अब इसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं बीच में, ठीक है ना, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। तो स्पेसिफिकली मैंने आपको काफ़ी कुछ इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर में बता दिया है, तो हो सके तो इसके या तो नोट्स बना लेना या फिर मैं ही इसको आपको बना करके दे दूंगा, ठीक है ना, तो इतना वरी करने वाली ज़रूरत है नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले इसके कैरेक्टर देखे थे, फिर इसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर पे गए,
देन उसके बाद अब हम चलते हैं कुछ थोड़ा और स्पेशल चीज़ों पे, ठीक है ना। एंड ये आपके लिए स्पेसिफिक है फॉर CSIR नेट। अब तक आपका बेसिक चल रहा था, ठीक है ना, अब तक आपका बेसिक चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा हम एडवांस बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो आपका tRNA होता है, यानी कि इसको ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको किस नाम से जानते हैं? ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ए टाइप्स ऑफ RNA मोलिक्यूल दैट हेल्प डिकोड ए मैसेंजर RNA, यानी कि जो आपके mRNA पे कोडोन प्रेजेंट होते हैं, उन कोडोन को डिकोड करता है आपका पॉलीपेप्टाइड के रूप में, यानी कि अमाइनो एसिड सेक्वेंस के रूप में, ठीक है ना। तो आपको इतनी बात भी पता होनी चाहिए। इसके बाद tRNA फंक्शन एट स्पेसिफिक साइट इन द राइबोसोम्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जो tRNA होता है वो एक स्पेसिफिक साइट, एंड ये स्पेसिफिक साइट कहाँ पर प्रेजेंट होती है? राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। विच इज़ ए प्रोसेस दैट सिंथेसाइज ए प्रोटीन फ्रॉम अन mRNA मोलिक्यूल, जहाँ पर ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ऑन द बेसिस ऑफ mRNA मोलिक्यूल्स, यानी कि जो आपका mRNA के अंदर कोडोन है उसको देखने के बाद। इसके बाद प्रोटीन आर बिल्ड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड विच आर स्पेसिफिक बाय 3 न्यूक्लियोटाइड mRNA सीक्वेंस कॉल्ड कोडोन, यानी कि यहाँ पर एक अलग ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये इन्होंने बताया है कि जो आपकी प्रोटीन होती है, प्रोटीन में आपके अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड के छोटे छोटे पार्ट से मिल करके बनी हुई होती है, जहाँ पर आपके पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि एक प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड को हम एमाइड बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, तो वो आपका आकर के हेल्प करता है, जो कि आपके अब ये जो आपकी प्रोटीन बनी है, ये प्रोटीन कहाँ से बनी है? तो आपको 3 न्यूक्लियोटाइड, याद रख लेना, ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड जिसको बोलते हैं, जिसको हम कोडोन भी बोलते हैं। आगे हम जेनेटिक कोड देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जेनेटिक कोड होता है। तो आपके जेनेटिक कोड से मिल करके आपके जो है, फिर उसको ही उस जो आपका जेनेटिक कोड है उसको आपका रिवील किया जाता है, एंड देन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है आपकी। इसके बाद ईच कोडोन रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, जो आपका एक कोडोन होता है, याद रख लेना, एक कोडोन मतलब मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ UCC क्या होगा? आपका एक कोडोन है, ठीक है ना। ये कोमा लेस होता है, डिजेनरेसी नहीं होती है, आपकी कोडोन बायस पाया जाता है किसी किसी में। इसके बाद ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना, जब हम कोडोन पढ़ेंगे। तो अभी आपको खाली ये याद रखना है कि मान लो UCC आपका एक कोडोन है जो कि mRNA में प्रेजेंट है, इसी UCC को पढ़ करके आपका जो राइबोसोम्स हैं वो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। एंड ईच कोडोन इज रिकॉग्नाइज बाय ए स्पेसिफिक tRNA, एंड आपके अलग अलग, याद रख लेना, अलग अलग कोडोन को पहचानने के लिए स्पेसिफिक टाइप के tRNA प्रेजेंट होते हैं। ईच tRNA हैज़ ए कोरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड अटैच टू इट्स 3' एंड, जो आपका अमाइनो एसिड होता है वो आपके कहाँ पर आकर के अटैच होते हैं? 3' लोकेशन पे, यानी कि 3' एंड पर आकर के अटैच होते हैं। इसके बाद थोड़ी और यहाँ पर आपके जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA कैन बी कंपोज इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो tRNA होता है स्टार्टिंग में वो अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, लेकिन उसके बाद वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चला जाता है, जिसको हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अभी अभी मैंने आपको पीछे क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर के बारे में समझाया है, एंड इसके बाद वो अपनी टर्शियरी स्ट्रक्चर में चला जाता है, जहाँ पर ये आपको एल शेप्ड यानी कि 3D स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है ना। एंड गाइज, यहाँ पर क्या होता है, जो tRNA होता है ये स्पेसिफिकली बाइंड करता है या फिर फिट होता है आपका राइबोस, याद रख लेना, आपके राइबोसोम्स में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि आप कह सकते हो लोकेशन होती है, जिसको हम EPA, ये स्पेसिफिक साइट होती है आपकी कहाँ पर? राइबोसोम्स के अंदर। तो ये स्पेसिफिकली जो tRNA होता है ये फिट हो जाता है P&A के साइट पर जाकर के। तो इतनी बात आपको याद रखनी है गाइज। हम बात करेंगे जब हम राइबोसोम्स यानी कि RNA देखेंगे, तो E क्या होता है, P क्या होता है, A क्या होता है, एंड किस प्रकार से साइट आपके फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके बाद जो क्लोवर लीफ
स्ट्रक्चर बिकम 3D शेप्ड स्ट्रक्चर थ्रू कोएक्सियल स्टैकिंग। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि किस स्टेज में बनता है या फिर आपसे किस प्रकार से बनता है, तो 2D से 3D जब आपके कन्वर्जन होता है तो ये आपका कोएक्सियल स्टैकिंग शो करता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका द लेंथ ऑफ ईच आर्म एज वेल एज डायमीटर इन tRNA मॉलिक्यूल वेरी फ्रॉम स्पेसिस टू स्पेसिस। यानी कि जो tRNA की आर्म होती है, जो मैंने आपको बताया है कि tRNA आपके 73 to 95, ठीक है ना, 73 to 95 न्यूक्लियोटाइड के पाए जाते हैं, तो अलग अलग स्पेसीज में अलग 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 जीनस में आपकी जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग शो करती है। तो आपको ये याद रखनी है। देखो आपको मैं एक ईजली बात बता देता हूँ, अगर आपकी वेरिएबल आर्म नहीं पाई जा रही, याद रखो वेरिएबल आर्म नहीं पाई जा रही, तो मोस्टली जो है वो आपका जो tRNA है 75 न्यूक्लियोटाइड के आसपास चमकेगा, ठीक है ना, यानी कि नियर बाई रहेगा। अगर आपकी वेरिएबल आर्म पाई जा रही है तो जो आपका tRNA है वो आपका 95 न्यूक्लियोटाइड के आसपास चमकने वाला है, ठीक है ना, यानी कि ये विद वेरिएबल आर्म है एंड ये आपकी विदाउट वेरिएबल आर्म है। तो इसलिए जो है जो साइज होता है न्यूक्लियोटाइड का, सॉरी जो आपकी लेंथ होती है न्यूक्लियोटाइड की, वो इसमें डिफरेंट होती है। ये आपके कुछ और स्पेसिफिकली पॉइंट लिखे गए हैं एंड गाइज ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए कि आपका जो 5' एंड होता है यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, जबकि इसका जो 3' एंड होता है वहाँ पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि आपका एडेनिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपको नहीं भूलना, CCA, ठीक है ना, ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको कोड नहीं भूलना है। इसके बाद द एक्सेप्टर स्टेम इज 7 to 9 बेस पेयर एंड ये जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो भाई साहब थोड़ा सा बस वेट कर लेना। मान लो ये आपकी कोई मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दी है, तो स्ट्रक्चर को देख करके वैसे तो आपको हंसना नहीं है, बट अगर हंसते हो तो भी कोई बात नहीं है, आपको जो है कुल मिला करके इन्जॉय आना चाहिए, दैट्स ऑल, दिस इज़ माई मोटो, ठीक है ना, एंड पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये आपकी जो है 5' वाली पोजीशन है एंड ये आपकी 3' वाली पोजीशन है। तो ये जो आपकी 3' वाली यानी कि एक्सेप्टर आर्म होती है, इसमें आपके 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, कितने 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद CCA टेल इज साइटोसिन एडेनिन सेक्यूंस एट 3' एंड ऑफ द tRNA मॉलिक्यूल, यानी कि इस 3' एंड पे आपकी जो है एक स्पेसिफिकली कोड पाया जाता है जिसको हम CCA, इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो ये आपका 5', ठीक है ना, ये आपका 5' एंड ये आपका 3', तो यहाँ पर ये आपका CCA है। इसको बच्चे कभी कभी इसको ACC के नाम से पढ़ते हैं, बट ACC के नाम से नहीं पढ़ना, आपको CCA के नाम से पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है चाहे आपका DNA का रेप्लिकेशन हो, चाहे आपका ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, सबकी जो डायरेक्शन होती है, वो 5' to 3' होती है, एंड ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो जब कभी भी आप किसी भी न्यूक्लियोटाइड को पढ़ोगे, जब किसी भी अमाइनो एसिड को पढ़ोगे, तो उसको 5' to 3' डायरेक्शन में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद द अमाइनो एसिड लोडेड ऑन टू द tRNA बाई अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज टू फॉर्म अमाइनो एसिड tRNA, यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है भाई साहब, इसने तो भोकाल मचा दिया है, बट घबराने वाली बात नहीं है। इन्होंने खाली इतना कहा है कि भाई ये जो 3' एंड है यहाँ पर आकर के एक अमाइनो एसिड ऐड होगा, उसके लिए एक एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसको इन्होंने बोला है अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, यानी कि ये आपका एंजाइम्स का नाम है। एंड जब ये आकर के अटैच हो जाएगा तब इस जो आपका अमाइनो एसिड है, जैसे कि आपका लाइसिन है, तब इसको हम बोलेंगे लाइसिन अमाइनो एसाइल tRNA। तो अब इसका पूरा नाम बोला जाएगा, बोवल हाइपोथेसिस में देखेंगे हम कि किस प्रकार से इसका नामकरण होता है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। एंड ये जो यहाँ पर बॉन्ड बनता है इस अमाइनो एसिड यानी कि जो आपका एक्सेप्टर आर्म है एंड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंटली बॉन्ड कहते हैं, एंड ये आपका 3' हाइड्रोक्सिल
ग्रुप ऑफ सी सी ए टैल से बनता है। मैंने आपको बताया था कि 3' पे आपके जो है सेकंड प्राइम हाइड्रोक्सी एंड 3' हाइड्रोक्सी फ्री होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका सेकंड प्राइम पे बनेगा या फिर 3' पे बनेगा। तो जब हम अमाइनो एसिड का चार्जिंग या फिर tRNA की चार्जिंग देखेंगे तब हम सीखने वाले हैं कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पर बनता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है अमाइनो एसिड का, ठीक है ना, तो इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद जो डी आर्म होती है, ये आपकी कौन सी आर्म है, इधर वाली, ये आपकी डी आर्म, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट लूप या फिर डाईहाइड्रोयूरेडिन लूप के नाम से भी जानते हैं, जिस पे स्पेसिफिकली आकर के एंजाइम्स बाइंड करता है। तो ये आर्म जो होती है आपकी 4 to 5 बेस पेयर एंडिंग इन ए लूप एंड ऑफ्टन कंटेनिंग डाईहाइड्रोयूरेडिन, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना ये एरिया चमक रहा है, ये आपका ओनली 4 to 5 यहाँ पर क्या होने वाला है, 4 to 5 ही न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो आपका एंटीकोडोन होता है, यहाँ पर आपके 5 बेस पेयर होते हैं जो कि आपका लूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो टी आर्म, एक्चुअल में ये टी साइज सी, यहाँ पर टी साइज सी की बात कर रहे हैं। टी साइज सी लूप जो होती है वो 4 to 5 बेस पेयर कंटेनिंग द सेक्वेंस टी साइज सी, वेयर साइज जो होता है यहाँ पर वो सीडो यूरेसिल ए मोडिफाइड यूरेडिन होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो कुछ आपको और भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दी गई है, उसको देखने की कोशिश करो। यहाँ पर यह आपका 3' to 5' स्टार्ट होगा, इसको मैंने 3' to 5' क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी, अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँगा तो ये आपका कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। इसको मैं 5' बोलूँगा एंड इसको मैं 3' बोलूँगा, तभी तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, ठीक है ना, तभी तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, इस बात को याद रख लेना। इसके बाद ये आपके टी साइज सी लूप होती है, ये आपकी एंटीकोडोन लूप होती है, ये आपकी डी लूप होती है, ये आपकी एक्सेप्टर आर्म्स होती है, जिस पर आपका एक स्पेसिफिकली ट्रिपलेट कोडोन पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CCA, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है कि अब हम क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में कुछ नहीं है, क्लास में वही है कि अगर आपकी वेरिएबल आर्म है, यानी कि अगर आपकी वेरिएबल आर्म पाई जा रही है तो किस प्रकार से हम उसको प्रोनंसिएट कर सकते हैं, मतलब ए टी आर एन ए हैज सेक्वेंस ऑफ 74 to 95 बेसिस। देखो ये अलग अलग बुक से लिया गया, 74 to 95 बेसिस दैट फोल्ड इनटू ए क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद 4 कॉन्स्टेंट आर्म एंड अन एडिशनल आर्म इन द लॉन्गर टी आर एन ए, ठीक है ना, तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। द एक्स्ट्रा आर्म ऑफ टी आर एन ए लाई बिटवीन टी साइसी एंड एंटीकोडोन। तो गाइज आपसे एक बार ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है CSIR में भी कि आपका जो वेरिएबल आर्म होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। तो जो आपके टी साइज सी लूप एंड आपका जो है एंटीकोडोन आर्म होती है, उसके बीच में आपका वेरिएबल आर्म जो है वो पाई जाती है। इसके बाद इट इज मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ इन टी आर एन ए फ्रॉम 3 to 21 बेसिस, यानी कि जो आपकी वेरिएबल आर्म होती है ये आपकी 3 to 21 बेस पेयर तक की हो सकती है। इसके बाद टी आर एन ए आर कॉल्ड क्लास 1 इफ़ दे लैक, यानी कि अगर वेरिएबल आर्म नहीं पाई जा रही तब इसको हम क्लास 1 बोलेंगे एंड क्लास 2 इफ़ दे हैव इट, यानी कि अगर आपकी क्लास यानी कि अगर आपकी वेरिएबल आर्म पाई जा रही है तब इसको हम क्लास 2 बोलेंगे। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पर टी आर एन ए के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे आर आर एन ए के बारे में। दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।